जशपुर जिले के तबाग छाद में करोड़ों की लागत से कुदमुरा व्यपर्तन योजना के तहत डैम और नहर बनाई जानी थी। डैम का निर्माण 1.5 साल पहले पूरा हो गया, लेकिन नहर का निर्माण अब तक शुरू नहीं हो पाया। ग्रामीणों में नाराजगी जाहिर करते हुए व्यपर्तन योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इस योजना से क्षेत्र के हजारों ग्रामीणों को काफी फायदा मिलता, लेकिन ठेकेदार की मनमानी और विभागीय लापरवाही से डैम नहीं बन पाया। ग्रामीणों की शिकायत पर पूर्व मंत्री गणेश राम भगत ने जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। कि यहाँ पर कुदमुरा गांव में के खेतों को सिंचाई के लिए सिंचाई विभाग द्वारा बांध बनाया गया है, जिसका लाभ किसानों को मिलना चाहिए और नहीं मिल रहा है। मैं मौके पर गया, बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि लोगों के कथनानुसार 10 करोड़ से ऊपर इसकी लागत है और ये पानी एक नाले से दूसरे नाले में मिलने का काम केवल हुआ है। कुदमुरा गांव के सिंचाई के लिए यहाँ पर एक विशाल डैम बना है जो लगभग 10.64 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित है और ग्रामीणों के द्वारा ये बताया गया कि आज तक उसका पानी उनके गांव तक नहीं पहुंचा। यहाँ पर ये जो केनाल है ये 10 मीटर तक भी नहीं गया है और 10 मीटर के बाद इसका पानी कहाँ जा रहा है ये किसी को पता नहीं है। ग्रामीणों के द्वारा कहा जा रहा है कि जो नदी का पानी जिस नदी पर जाता था आगे घूम करके वो पानी वापस इसी नदी में जा रहा है। जब इसी नदी से पानी को बहाना था तो 10.64 करोड़ रुपए इसमें खर्च क्यों किया गया, ये बहुत जांच का विषय है। ये साल भर हो गया बना हुआ, आज तक कुदमुरा पंचायत में सिंचाई के लिए बना था, लेकिन आज इसका कुछ लाभ नहीं मिला और पता चलता है ग्रामीण वासियों के द्वारा कि ये इसका पूरा वो पैसा पूरा आहरण हो चुका है। 40 लाख लगभग बचा है, पानी नहीं पहुंचा है गांव तक। जो बगीचा विकास खंड के चूल्हा पानी कुदमुरा का जो आप बता रहे हैं, मैंने ये जल संसद से बात किया है, वो जो भी उसमें अधूरा काम होगा उसके लिए निर्देशित किया जाएगा और अधिकारियों को देखना चाहिए कि जो प्रोजेक्ट बनता है यदि किसी कारण से उसमें राशि की कमी हो रही है तो इसकी जानकारी में लाना चाहिए और उच्च अधिकारियों से जो है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बने रहिए साधना न्यूज के साथ। नमस्कार।